पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वीएचपी के मठ मंदिर और अर्चक पुरोहित के प्रांत प्रमुख का बड़ा बयान। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़ने और हत्याओं के खिलाफ मुरादाबाद में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखा गया। भागवत कथा में लोगों ने भगवान के आगे हाथों में स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर प्रार्थना करते हुए अपना विरोध जताया। भगवान के आगे रखी तख्ती में लिखा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। कथावाचक और वीएचपी के प्रांत प्रमुख मठ मंदिर और अर्चक पुरोहित आचार्य धीरशांत दास अर्धमोनी ने हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। वो बोले कि सनातन यहाँ हमेशा से रहा है, हमने अन्य लोगों का स्वागत कर शरण दी है, आज वही शरणार्थी और तथाकथित घुसपैठिए हमारे धर्म के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मंदिरों को तोड़ना मानवता की हत्या है। पूरे संसार में ऐसी संस्कृति पनप रही है जो चाहती है कि हम तथाकथित इस्लाम का राज करें। हम हिंदुओं पर जो ये विभत्स और भयानक अत्याचार हो रहे हैं, हम इनकी घोर निंदा करते हैं। साथ ही हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि हिंदुओं की रक्षा के लिए चाहे इनको सैन्य कार्रवाई करनी पड़े, चाहे बांग्लादेश के अंदर अपने सैनिक उतारने पड़े, तुरंत हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहु बेटियों पर बलात्कार अत्याचार हो रहे हैं और उनकी नृशंस हत्या हो रही है, ये तुरंत बंद होनी चाहिए। इसके अलावा आपने अभी हिंदू राष्ट्र की मांग की है, क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र से मेरा तात्पर्य यह है कि इस संसार में 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं और हमारे हिंदुओं को कोई राष्ट्र नहीं है जहां हिंदुओं के हितों की रक्षा हो। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे भारत को तुरंत हिंदू राष्ट्र घोषित करके और हिंदुओं के ऊपर जो भी अत्याचार करे उसको तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आप धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं और लगातार लोगों के बीच में रहकर इस तरह की बातें देखिए, संदेश तो मेरा लगातार है, हिंदू राष्ट्र तो था ही है। भारत में पहले कोई धर्म नहीं था। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जो हमारा भारत बढ़ते ही सनातनी रहा है, लेकिन हमने अन्य लोगों का यहाँ पर स्वागत करा, उनको शरण दी और आज हमें वही शरणार्थी तथा एवं तथाकथित घुसपैठी है, आज हमारे धर्म के लिए ही खतरा बनते चले जा रहे हैं। आज हमारे शांत शालीन सभ्य सत सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इसलिए हमको अब पुनः हिंदू राष्ट्र में ही स्थित होना पड़ेगा। आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश में देखा ही गया है कि कई जगह इस्कॉन मंदिरों को फूंक दिया गया है, तोड़ दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर, देखिए इस्कॉन ही नहीं, इस्कॉन के साथ साथ काली मंदिर, प्राचीन काली मंदिर 1971 में बंटवारे के समय उस काली के मंदिर ने लाखों बांग्लादेशियों को भोजन कराया था। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनावर संघ, ये एक शांति प्रिय संगठन है, ये नशे का विरोध करता है, मांसाहार का विरोध करता है एवं शांति प्रिय तरीके से कृष्ण भावनावर का प्रचार करता है। उसके मंदिरों को तोड़ना मानवता की हत्या है। एक सवाल में रहे हैं कि हमेशा हिंदुस्तान बांग्लादेश का करीबी रहा है, मददगार साबित होता है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब मामला सामने आ रहा है, हिंदुओं पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, पूरे संसार में एक ऐसी संस्कृति पनप रही है जो केवल ये चाहती है कि हम तथाकथित इस्लाम का राज्य करेंगे, जबकि वो इस्लाम के कायदे के अनुसार भी नहीं चल रहे। इस्लाम में कहीं भी मारकाट और हत्या नहीं है। हम ऐसे सारे आतंकवादी समूहों का, दलों का विरोध करते हैं और हम भारत में ऐसे लोगों की मानसिकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। और इसी कारण हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द हिंदुओं के हित की रक्षा होनी चाहिए, धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। यानी आप ये मानते हैं कि इस्लाम के जो मानने वाले वही आतंकवादी होते? देखिए, इस्लाम के मानने वाले नहीं, इस्लाम के अंदर कुछ ऐसे धर्म विमुख लोग हो गए हैं जो हथियार के साथ बात करना चाहते हैं, जबकि इस्लाम प्यार और पैगाम की बात करता है कि प्यार के और शांति के साथ बात करी जाए। तो ऐसे जो लोग जो हथियारों के साथ मानवता पर आक्रमण करते हैं वो सच्चे इस्लाम के समर्थक नहीं हो सकते, वो आतंकवादी हैं, मानवता विरोधी हैं और उनका इस्लाम से मैं समझता हूँ संपर्क नहीं है, वो इस्लाम के लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। आज आप देखते हो मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। आज ऐसे आतंकवादी फ्रांस में, यूरोप में, रसिया में,
अफ्रीका में, भारत में, बांग्लादेश में ये आतंकी गतिविधियों का समर्थन करें, जिससे पूरी मुस्लिम समाज पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो मुस्लिम धर्मगुरु को चाहिए कि वो ऐसे आतंकवादी फिरकों को दूर भगाएं और इस आतंकवाद को मुस्लिम समाज से अलग कर दें। क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आपकी तरफ से क्या? ठीक है, यहाँ पर 70 करोड़ हिंदू रहते हैं, और अगर आप उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, आप तथा कथित अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, 5-7% अल्पसंख्यक होने चाहिए, लेकिन जो 25% लोग हैं उनको आप अल्पसंख्यक मानकर सारी सुविधाएं उनको दे रहे हो, तो हिंदुओं में असंतोष तो हो गई। और हम हिंदू हैं, सत सनातनी, हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा हिंदू के समर्थक हैं और रहेंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।